students of class 2. How are you all? I hope that you all are fine and doing great at your homes. Let's start today's lesson with the date and day. Yes, Sadia, what is the date today? Very good. Today is 2nd of June 2021. And what is the day today, Ibrahim? It's Wednesday. कल हमने क्या काम किया था? Yes, Moiz. Very good. We have done simple present tense. Simple present tense. So before moving to the exercise of simple present tense, let's revise the concept. Now who will tell me that what do we do in simple present tense and what are the simple present tenses? Yes, Ishal? Very good. Simple present tenses are the tenses. These are the things that we do, the actions that we do in our daily routine, that we do sometimes, that we do regularly, that we do often, or that we do on daily basis. These are the actions that are mostly true. सिंपल प्रेजेंट टेंसेस हमारे वो एक्शंस होते हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं, कभी कभार करते हैं या हमेशा कर रहे होते हैं. वी आर डूइंग इट ऑलवेज. ठीक है, तो इस तरह के काम, इस तरह के एक्शंस जो हम करते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ओपन अप योर ग्रामर एंड यूजेज बुक्स टू पेज नंबर 83, यूनिट नंबर 11. So let's revise the simple rules of simple present tense first, then we'll do the exercises. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि नॉर्मली एंड होते हैं ता है, ती है, ते हैं पे, या ता हूँ या ती हूँ. जस्ट लाइक मैं खाना खाती हूँ, वो रोज़ खेलता है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप डेली रूटीन में करते हो या कभी कभार करते हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. खाना खाता
तरह से ता है की कंडीशन फुलफिल होगी। अब इस तरह की चीज़ें, ऐसे सेंटेंसेस जो हम आम तौर पर बात करते हैं, मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मामा खाना पकाती हैं, बाबा ऑफिस जाते हैं, तो ये वो चीज़ें ना जो हम कभी कभी भी करते हैं और रेगुलरली भी करते हैं, इन सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही रूल है जो हमने फॉलो करना होता है। देयर इज ओनली वन रूल दैट वी फॉलो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दैट इज इफ द नाउन और द प्रोनाउन, इफ द नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर एड S, E, S or I, E, S with the verb. अगर आपका noun या फिर pronoun singular है, यानी कि एक है, तो आपने verb के साथ S, E, S या I, E, S accordingly add कर देना है। इस तरह अगर simple verbs होंगे तो उनके साथ आप S add कर दोगे, वो verbs जो CH पे या SH पे end होंगे उनके साथ आप ES लगा दोगे, ठीक है, या ओ पे एंड होंगे तो उनके साथ भी आपके पास आगे ई एस ऐड हो जाता है। और सिमिलरली इस तरह से आगे रूल्स फॉलो करते हुए हमारे पास कुछ वर्ड्स के आई ई एस ऐड हो जाता है। जिस तरह अगर वाई पे कुछ वर्ड्स एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आई ई एस लग जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स हम ये ऐड करते हैं। तो यही बात बस आपने जौन सी है वो याद रखनी है। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब को हम प्लूरल कर देंगे, दैट्स इट। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि जो मजीद चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ओपन अप योर बुक्स टू पेज नंबर 83। ऑन पेज नंबर 83 यू ऑल कैन सी द सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द सेंटेंसेस। माय मदर ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। पीटर ऑफन प्लेज विद हिज डॉग। The twins sometimes fix jigsaw puzzles. Jack always wears a cap when he goes out. Now you all can see. अब यहाँ पे mother क्या था? Singular. जब हमारे पास noun singular था तो हमारी जो verb थी उसके साथ हमने s add कर दिया. Right? Peter. Peter is singular or plural? Yes, Abdul Hadi. Very good. Is singular. तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या किया? वर्ब में एस ऐड कर दिया। अब हमारे पास नाउन क्या है यहाँ पे? प्लूरल, प्लूरल नाउन है। ट्विंस, ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा हुआ है तो हम वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। द ट्विंस समटाइम फिक्स जिगसॉ पजल्स। जैक ऑलवेज वेयर्स अ कैप व्हेन ही गोज आउट। अब जैक हमारे पास सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो जब हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब के साथ हम लोग एस ऐड कर देंगे या ई एस ऐड कर देंगे। द ड्राइवर, द वर्ड्स ड्राइव्स, प्लेज, फिक्स, वेयर्स आर वर्ब्स। दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डू एवरी डे, ऑफन, समटाइम्स एंड ऑलवेज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस उन चीज़ों के बारे में बात करता है जो हम डेली करते हैं, कभी कभार करते हैं, समटाइम्स करते हैं या हमेशा करते हैं। ये उन चीज़ों के बारे में बात भी करता है जो कि ट्रू होती हैं। जस्ट लाइक शी ऑलवेज टेक्स अ नैप इन द आफ्टरनून। अब शी हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन था इसलिए हमने वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया। जोय साइकिल्स वंस अ वीक। अब हफ्ते में एक दफ़ा जोए जॉन सा है वो साइकिल चलाता है। अब जोए सिंगुलर था तो वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स, अब आप देखें, अब आपके पास पुलिस ऑफिसर्स हैं, देयर इज ऑलरेडी एस। तो पेट्रोल द स्ट्रीट एवरी नाइट, तो यहाँ पे जो वर्ब था पेट्रोल उसको हमने सिंगुलर ही रहने दिया। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पिक देयर फूड। अब दिस इज अ ट्रू सेंटेंस, सही बात है ना। बर्ड्स जौन से हैं वो अपनी बीक्स यूज़ करते हैं अपना खाना पिक करने के लिए। टर्टल्स ले एग्स, तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ ट्रू सेंटेंस। ये लास्ट दो चीज़ें जौन सी हैं वो हमें बता रही हैं दैट द दे ऑल्सो टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर ट्रू। ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं जो कि ट्रू होती हैं। आई होप कि आप सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 84, एक्सरसाइज नंबर 24। Fill in the blanks with the words in the box. Use each word once only. आपके पास इस word box में
कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने इन सेंटेंसेस को फिल करना है, ठीक है। अब वर्ब्स क्या है हमारे पास, वर्ब हमें पता है ना, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। इन वर्ब्स को यूज़ करते हुए हमने इन सेंटेंसेस को फुलफिल करना है। ट्रैवल्स, ग्रो, वेट, ग्लाइड, स्क्रब्स, ओपन, टीचेस, हेल्प। अब देखें, मिसेज ली, अब मिसेज ली डैश बॉलेट एट अ डांस स्कूल एवरी संडे। अब मिसेज ली सिंगुलर है या प्लूरल है? यस फाइक, वेरी गुड। मिसेज ली हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। तो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स गिवन ओवर हियर, यहाँ पे क्या आएगा, टीचेस, यानी कि वो सिखाती हैं। मिसेज ली टीचेस बॉलेट एट डांस एवरी स्कूल, एट डांस स्कूल एवरी संडे। नाउ माय फादर ऑफन डैश टू अमेरिका फॉर वर्क। अब अमेरिका जाते हैं फॉर वर्क, जाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द फर्स्ट वन, ट्रैवल्स। अब देखें, क्योंकि फादर इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो हमारे वर्ब के साथ वर्ब क्या था, ट्रैवल, तो वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एस। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस। माय फादर ऑफन ट्रैवल्स टू अमेरिका फॉर वर्क। स्नेक्स डैश ऑन द ग्राउंड। अब जो स्नेक्स हैं जो ग्राउंड पे ऐसे चलते हैं उसको ग्लाइड करना कहते हैं, क्या करना कहते हैं, ग्लाइड। अब स्नेक्स क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, दे आर मोर देन वन, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, स्नेक्स ग्लाइड ऑन द ग्राउंड। द चिल्ड्रन डैश एट द बस स्टॉप फॉर देयर पेरेंट्स एवरी आफ्टरनून। अब चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है? नो, इट्स सिंगुलर। चिल्ड्रन सिंगुलर होता है और चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पे प्लूरल है तो हम अपनी वर्ब को सिंगुलर रखेंगे, जस्ट लाइक द चिल्ड्रन वेट एट द बस स्टॉप फॉर देयर पेरेंट्स एवरी आफ्टरनून। चिल्ड्रन प्लूरल होता है और चाइल्ड अगर हो तो वो सिंगुलर होता है। अगर यहाँ पे होता द चाइल्ड एट द बस स्टॉप फॉर देयर पेरेंट्स एवरी आफ्टरनून, तो चाइल्ड के लिए हम यहाँ लगा देते साथ में एस, द चाइल्ड वेट्स एट द बस स्टॉप। लेकिन क्योंकि ये चिल्ड्रन है तो यहाँ पे सिंपली वेट आएगा, इसमें इसके साथ एस या ई एस एड नहीं होगा। एंड डैश हर मदर विद द डिशेज एवरी नाइट, ठीक है। अब एन क्या करती है, हेल्प्स हर मदर, अपनी मदर की हेल्प करती है विद द डिशेज, यानी कि बर्तन धोने में एवरी नाइट। एन सिंगुलर था इसलिए हमने उसके साथ एस ऐड किया। माई आंट डैश द फ्लोर वंस अ वीक। अब वो एक हफ्ते में एक दफ़ा फ्लोर को क्या करते हैं, हम हमेशा स्क्रब करते हैं, यानी कि साफ करते हैं, रगड़ते हैं। माई आंट स्क्रब्स द फ्लोर वंस अ वीक। प्लांट्स डैश टुवर्ड्स सनलाइट। प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, यानी कि सूरज की वजह से ही प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। द शॉप्स डैश एट नून। तो शाम को क्या होती हैं, ऑलमोस्ट शाम में जाके हमारी शॉप्स ओपन होती हैं, द शॉप्स ओपन एट नून, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 24। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 25। नाउ ऑन एक्सरसाइज नंबर 25, लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब, द फर्स्ट लेटर इज गिवन टू यू। अब हमने इन सेंटेंसेस को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। अब पिक्चर्स में एज यू कैन सी देर आर टू किड्स हु आर बिल्डिंग अ कासल, जस्ट लाइक दे आर ऑन द बीच, और वो सैंड को यूज़ करके कासल बनाने। अगर आप में से किसी बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हो बीच पे जाना, तो आपको पता है कि बीच पे हमारे पास पहले रेत होती है और फिर आगे जाके पानी आता है, तो मोस्टली लोग वहाँ पे बच्चे वगैरह उस सैंड को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देयर आर टू किड्स, दे आर यूजिंग द सैंड टू मेक अ बिल्ड अ कासल। द चिल्ड्रन ऑफन डैश सैंड कासल्स एट द बीच, कि बच्चे जौन से हैं वो बीच पे सैंड कासल्स बनाते हैं। तो बी से हमारे पास जो वर्ब बन रहा है यहाँ पे, दैट इज बिल्ड।
The next picture is that the caterpillar is turning into a butterfly. So the caterpillars turn into butterflies. अब यहाँ पे मैंने build के साथ भी s add नहीं किया, turn के साथ भी s add नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि children और caterpillars दोनों plurals हैं और हमारा rule था कि अगर noun या pronoun singular हो तो हम s या es add करते. Just because हमारा noun यहाँ पे प्लूरल है, चिल्ड्रन भी प्लूरल है और कैटरपिलर्स भी प्लूरल है, इसलिए हमने बिल्ड और टर्न दोनों के साथ एस ऐड नहीं किया. द नेक्स्ट पिक्चर इज द बॉय इज स्विमिंग. बेन समटाइम्स डैश एट द पूल. बेन समटाइम्स स्विम्स एट द पूल. अब यहाँ पे मैंने एस क्यों ऐड किया? बेन क्योंकि सिंगुलर है और जहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. द डॉग इज बार्किंग. My dog always barks at the strangers. यानी कि strangers अजनबियों को देख के मेरा जो dog है वो हमेशा bark करता है. अब मैंने barks के साथ s इसीलिए लगाया क्योंकि dog singular था. Leaves fall from the trees in autumn. अब leaves singular है या plural? Very good Rahima. As you can see that the leaves, there is an s with the leaves. Singular leaf होता है और उसका plural leaves होता है. ठीक है, तो लीव्स के साथ अब क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है तो हमने फॉल यूज़ किया, इसके साथ हमने एस नहीं लगाया. माई बेबी सिस्टर ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क एट मिडनाइट. यानी कि मिडनाइट रात को 12 बजे वो दूध पीती है, मेरी छोटी बेबी सिस्टर. ठीक है, अब बेबी सिस्टर इज सिंगुलर तो इसीलिए हमने ड्रिंक के साथ एस ऐड कर दिया. एलिफेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल? एज यू कैन सी देयर इज एस विद द एलिफेंट्स, सो इट्स एलिफेंट्स द प्लूरल. प्लूरल के साथ हम हमेशा वर्ब को सिंगुलर ही रखते हैं. इट्स कैरी. एलिफेंट्स कैरी लॉग्स विद देयर ट्रंक्स. माई ब्रदर एक्सरसाइजेज एवरी डे. अब मेरा भाई रोज़ाना एक्सरसाइज करता है. ब्रदर इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी आई हैव एडेड एस विद द वर्ब. माई ब्रदर एक्सरसाइजेज एवरी डे. सो दिस इज योर वर्क फॉर द डे. यू हैव टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन बुक. Just like we have solved, what you have to do, you have to practice it and get the concept. Still, if you find any difficulty or any kind of confusion, I am here to help you guys out. Take good care of yourselves. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.